हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लासेस बाय सिटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेक्यूटिव टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अभी इसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स किस प्रकार से रहेंगे? तीन टर्म्स में, थ्री टर्म्स इन एपी। ओके, थ्री टर्म्स इन एपी, फोर टर्म्स इन एपी, फाइव टर्म्स इन एपी, थ्री टर्म्स इस प्रकार से हमारा डी ए ए प्लस डी, फोर टर्म्स ए ये वाला तीन रहेगा, एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा ए प्लस टू डी, एंड फाइव टर्म्स ये वाले तीन रहेंगे, एक इधर में और एक इधर में, इस प्रकार से फाइव टर्म्स। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, सिर्फ एक कोई भी एपी में थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें निकालने हैं और उनकी सम, थ्री कंसेक्यूटिव टर्म की सम है। ओके, सम दिस इज आल्सो फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स द कंसेक्यूटिव टर्म्स, योर सम, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, देन फाइंड द टर्म्स। लेट थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर, जो हमें थ्री लेना तो ये लेना, फोर पूछिंग बताया होगा तो ये लेना, फाइव है तो ये, तो थ्री इस प्रकार से लेट थ्री टर्म्स पंजी टर्म्स इन ए बीच ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, वन फर्स्ट कंडीशन सबके सम कितनी 27 है, दिस पर दिस पर दिस सबके से 27, फिर ए माइनस डी प्लस ए माइनस ए प्लस डी, इसमें डी डी इट कैंसल्ड, ठीक है, दिस विल बी कैंसल्ड। ओके, देन ए थ्री ए इक्वल टू 27, देन ए विल बी इक्वल टू 27 बाई थ्री, दैट इज 9। सेकेंड कंडीशन, प्रोडक्ट जो है टर्म का कितना है 504, तो फर्स्ट टर्म दिस इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, दैट इज इक्वल टू 504। ए माइनस डी, ए प्लस डी इसे पास में लाया इंटू ए, तो ए माइनस डी और ए प्लस डी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओरिजिनल आइडेंटिटी इंटू ए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9, एक जो अगर पुट करेंगे हम तो आई ऊपर से डी जैसे वैसे और दिस 81 माइनस डी स्क्वायर जीगल टू 504 अपॉन दिस 9, 504 अपॉन 9, फिर 81 माइनस डी स्क्वायर इसका आंसर रहेगा 56, ठीक है, और उसके नेक्स्ट इज 81 माइनस 56 इस साइड में आएंगे, दिस विल बी इस साइड 81 माइनस 56 25, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर, दैट रूट इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 25 इज 5, तो थ्री कंजुगेट टर्म्स आर ए माइनस डी दैट 9 माइनस 5 4 इज इक्वल टू 9, ए प्लस डी 9 प्लस 5 14, नंबर्स कौन से हो गए अपना 4 9 14, इसको रिवर्स ऑर्डर भी ले सकते हैं लेकिन यही ऑर्डर लिखना 4 9 14। नेक्स्ट सम फोर कंजुगेट टर्म्स है, इसमें सबकी सम 12 एंड सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, तो फोर टर्म निकालने हैं, फोर टर्म हमें याद रखना है, दिए रहेंगे हो तो ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 12, ओपन द ब्रैकेट्स 1d माइनस दिस प्लस विल बी गेट कैंसल्ड, देन वो ए 4a एंड दिस 2d दैट इज 12 डिवाइड बाय 2, सब को 2 से डिवाइड हो जाता है, 2a इसको डिवाइड है डी 12 by 2, 6 इक्वेशन 1 बाय फर्स्ट सेकंड कंडीशन, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स सम ऑफ टर्म ईच कितना है 14, ओके, देन ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी इक्वल टू 14, ओपन द ब्रैकेट ए एंड ए दिस 2a डी एंड 2d 3d इक्वल टू 14 इक्वेशन 2, देन सिंपलीफाई दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड, देन मल्टीप्लाई वन इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक, 2 इक्वल द कोएफिशिएंट ऑफ डी, तो इक्वेशन वन को डी से मल्टीप्लाई किया यानी 3 2a into 3 6a d into 3 3d 6 into 3 18, और ये इक्वेशन जैसे की वैसे, फिर यहाँ पे 6 minus 2d 4a 3d minus 3d get cancelled, 14 minus 18 minus 15 4, a is equal to 4 by 4, then a is equal to 1, put this value in equation 1 1 2, कोई भी इसमें कर सकते हैं, 1 में करेंगे तो 2a plus d equal to 6, 2 into 1 plus d equal to 6, d equals to 6 minus 2, d equals to 4,
इस प्रकार से फोर का जूट ऑफ सी माइनस डी वन माइनस फोर माइनस थ्री ए वन ए प्लस डी वन प्लस फोर फाइव ए प्लस टू डी वन प्लस टू इंटू फोर नाइन। इस प्रकार से चार टर्म्स यहाँ पे आ गए। तो ये वाला है टॉपिक एक्स्ट्रा का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। बाद में अप्लीकेशन जो है तो ये मेथड हमने समझ गया तो अप्लीकेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।